हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी जानोगे कैसे आप रेडमी के 7 स्मार्टफोन में बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अपने पर्सनल ऐप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को हाइड कर सकते हो। सो अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में एप्स को हाइड करना चाहते हो, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, तो इस वीडियो को यार एंड तक देखना। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम हाइड करने वाले हैं व्हाट्सएप और फोन पे को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने फोन की जो सेटिंग उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्स के नाम से, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको ऐप लॉक पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा टर्न ऑन पे। जैसे यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पर आपको कोई एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक पासवर्ड बना लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि मैंने एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, जो कि है एमआई अकाउंट को ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। जिसे आप कभी फ्यूचर में अपने ऐप लॉक का लॉक भूल जाते हैं तो इसकी मदद से आप उसको फॉरगेट कर सकते हो बिना डाटा लॉस के। तो यहाँ पर मैं नॉट नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। बहरहाल मैं इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप हाइड ऐप को कैसे ओपन कर सकते हो, वो भी बिना किसी लॉक एंटर किए। तो यहाँ पर मैं नॉट नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस से होगा। यहाँ पर आप अपने फाइल्स जो ऐड कर सकते हो, जो कि आप अपने ऐप लॉक का फेस के थ्रू अनलॉक कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन दे रखा है, आप चाहो तो फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने सभी एप्लीकेशन शो हो रही है जिस पे आपको लॉक लगाना है। अगर आप अपने ऐप पे लॉक लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर उसका टर्न ऑन कर देना और आपके एप्लीकेशन पे लॉक लग जाएगा। आप अगर हाइड करना चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक ऑप्शन हाइड ऐप्स के नाम से, तो सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने सभी एप्लीकेशन शो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं व्हाट्सएप और फोन पे को हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया। अब चलते हैं हम अपनी होम स्क्रीन पे और देखते हैं वहाँ पर जो हमारा जो ऐप है वो हाइड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं शो हो रही। अब दोस्तों, इनको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी दोनों फिंगर को यहाँ पर रख के स्क्रॉल कर देना है। तो यहाँ पर जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने लॉक शो हो जाएगा और आपको लॉक एंटर कर देना है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई हाइड ऐप पे, जो कि रियलमी के ऊपर भी बना रखी है, ओप्पो के ऊपर भी बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आप उन्हें अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हो सबलॉजिक टैक्स 6। अब यहाँ पर मैं लॉक को एंटर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारे दोनों एप्लीकेशन शो हो रहे हैं और यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप भी एक्सेस कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। तो यार, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्यार से कमेंट करके जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।